ओडिशार विभिन्न स्थान रे हेबो चासिंग महापंचायत उत्कल सांबादिक भवन रे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन रे कहिसेंति राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर कर्मकर्ता राज्यर चासिंग को लुटुछंति राज्य सरकार अन्य राज्य रे कृषकों को जे सुविधा मिलुची ताहा जोगाइबारे विफल ओडिशा सरकार चासिंग हित पई राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करबा आवश्यक बोली भुवनेश्वर उत्कल सांबादिक भवन रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे कहिसेंति राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघर कर्मकर्ता आज 10 राज्यर कृषक नेता एकाठी हो आगामी दिन में ओडिशार विभिन्न स्थान में चाषी को नहीं महापंचायत करने को निष्पत्ति नहीं आगामी दिन में राज्य सरकार को एने दावीपत्र मैं जानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, हम पूरे देश में जाते हैं, परंतु उड़ीसा में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और खेती छोड़कर पलायन करता है, मजदूरी करता है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं का मजदूर प्रताड़ित और परेशान हुआ है तो उड़ीसा का हुआ है। उड़ीसा सरकार का क्या दायित्व है कि उसकी मंडी में लूट बंद हो, उसको फसल का उचित दाम मिले, उसको मंडियों में सुरक्षा मिले, सेट बने और एक मंडी कानून बने जाकि किसान की लूट बंद हो। इस दिशा में आज़ादी के बाद आने वाली किसी भी सरकार ने उड़ीसा में कोई ध्यान नहीं दिया है कि हम पूरे देश के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि सभी किसानों को एमएसपी के ऊपर गारंटी का कानून मिल जाए। अगर एमएसपी के ऊपर गारंटी का कानून नहीं मिलेगा तो देश के किसान की लूट ऐसे ही जारी रहेगी। इसको रोकने की अब जरूरत है। बहुत लूट लिया गया, किसान के हाथ से जमीन छिनती जा रही है, आए दिन उसके हाथ से जमीन फिसल रही है। उसके लिए अब जरूरत है कि बड़े आंदोलन की जाए। उस आंदोलन की तैयारी में हमने यहाँ पे आपने देखा होगा कल रंबा के अंदर एक बड़ी महापंचायत हुई। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।